खबर बिहार के बक्सर से है, जहां ट्रेन में यात्रियों के साथ लूटपाट करने वाले गिरोह का सदस्य हथियारों के साथ हुआ है गिरफ्तार। आपको बता दें, बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत पांडे पट्टी मोहल्ले से मुखबिर के गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रेन में यात्रियों के साथ हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले अपराधी राहुल यादव को गिरफ्तार कर लिया है। राहुल यादव के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन के अलावा 5 लीटर शराब भी बरामद की है, जो कि बिहार में बैन है। बक्सर के SP शुभम आर्य ने बताया कि यूपी की सीमा से बिहार की सीमा में शराब लेकर आने वाले तस्करों से ये अपराधी शराब छीन लेते थे। इस गिरोह का मुख्य सरगना मोहम्मद फिरोज है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इन्होंने बताया कि पुलिस को ये सूचना मिली थी कि पांडे पट्टी मोहल्ले निवासी पांडे जी के मकान में अपराधियों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसके बाद सदर SDPO धीरज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर जब वहां छापेमारी की गई तो राहुल यादव नामक अपराधी को वहां पुलिस ने एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 8 कारतूस, एक मैगजीन और 5 लीटर शराब के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब कड़ाई से उससे पूछताछ करना शुरू की तो उसने बताया कि उसका एक साथी है मोहम्मद फिरोज, जो हथियार उपलब्ध कराता है और उसके साथ मिलकर ट्रेन में यात्रियों से लूटपाट करने के अलावा शराब तस्करों से हथियार के बल पर ये शराब भी लूट लेते हैं। गौरतलब है कि इसी शराब तस्करी के चक्कर में पिछले दिनों गाजीपुर के जमानिया पर RPF के 2 सिपाही शराब तस्करों से मुठभेड़ करते हुए शहीद हो गए थे, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब राहुल यादव की गिरफ्तारी के बाद इस गिरोह के मुख्य सरगना मोहम्मद फिरोज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी करने में जुटी हुई है। कल दिनांक 29 सितंबर में रात में लगभग 7 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम पांडेपुर, वहाँ पर पांडे जी के जो घर है उसमें कुछ अपराधकर्मी जो वो शराब के संबंध में डीलिंग कर रहे हैं एवं उनके पास में अवैध हथियार भी मौजूद है। इस सूचना के तुरंत उपरांत में SDPO बक्सर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें SHO मुफस्सिल भी थे और अन्य अधिकारीगण भी थे। जब हम लोग सत्यापन के क्रम में हम लोग वहाँ पर उस पर्टिकुलर स्थल पर गए तो वहाँ पर ही पाया गया कि उन पर्टिकुलर पर्सन जो कि जो जिसका ये घर था वह उनका नाम है राहुल यादव और इनके पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा एवं 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए। UP News 9 के लिए बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट।